एवरीवन, दिस इज कन्हैया पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़ में जो सबसे पहले MSc फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो होता है आपका फर्स्ट यूनिफाइंग प्रिंसिपल होता है पहला यूनिट, तो उसके बेसिक नॉलेज स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ने से पहले, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था, पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, वेव थ्योरी क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है देखते हैं। द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेल्स टू एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो वेव थ्योरी था, वो जो होता है कुछ घटनाओं को जो है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो होता है बताने में असमर्थ होता है, तो उसी को जो है दूर करने के लिए जो है क्वांटम थ्योरी दिया गया है। और क्वांटम थ्योरी क्या बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पैकेट कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। ठीक है, तो वो ये बताता है कि हमने इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा था, जैसे सूर्य है, सूर्य से ये जो है पृथ्वी तक प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो प्रकाश की किरणें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, एनर्जी होती हैं, एनर्जी के फॉर्म में पृथ्वी तक आ रही हैं। तो जो होता है वेव थ्योरी बताता है कि तरंगों के रूप में ये आती हैं, लेकिन क्वांटम थ्योरी बताता है कि ये जो होता है कणों के रूप में संचरण करते हैं। ठीक है, इन्हें क्वांटा कहा जाता है। ठीक है, तो उसी को क्वांटम थ्योरी बताता है। ये बताता है कि एनर्जी पैकेट को फोटोन कहा जाता है, एनर्जी पैकेट के रूप में गमन करती है, इन्हें फोटोन कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है। तो विच ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द बीम विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के द्वारा ये गमन करता है। तो इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अब कुछ ट्रिक्स बनाया है, जैसे कि ट्रिक मतलब समझाने की कोशिश की है कि क्वांटम थ्योरी बताता है कि जो पैकेट के फॉर्म में होता है, ठीक है, जो तरंग के फॉर्म में नहीं बल्कि जो होता है एक पैकेट के फॉर्म में होता है, क्वांटा या फोटोन कहा जाता है, उस रूप में जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं वो गमन करते हैं। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा डेरिवेशन या एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे जो क्वांटा है आपका, फोटोन है, उसकी एनर्जी है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये फ्रिक्वेंसी, जिसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी किसके एनर्जी बराबर आप ये जो है एच और ये न्यू, ठीक है, एच जो है एक प्लैंक कांस्टेंट है और ये न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस जो क्वांटा का या फोटोन का, तो उसी को डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि ये न्यू जो होता है, जैसे कि यहाँ पे E=H जो है प्लैंक कांस्टेंट और ये न्यू, और न्यू का हमने फ्रीक्वेंसी जब पढ़े थे तो न्यू का फॉर्मूला हमारा आया था, ये जो है न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू का जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो ये क्या होता है, C/λ होता है। ठीक है, C/λ है, उसी को यहाँ पे बताया गया है, E=HC प्लैंक कांस्टेंट C/λ, उसका मान वहाँ पे रखेंगे तो ये वही है। देखिए E=HC और HC/λ E बराबर हमको प्राप्त होता है HC/λ। ठीक है, तो अब यहाँ पे HC/λ जो है वी बार से पुट करते हैं, और वी बार से आपको पता है वेव नंबर को हम पुट करते हैं। ठीक है, तो एच को अगर आप, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एच को अगर प्लैंक कांस्टेंट है तो उसका महत्व नहीं, तो C/λ है तो 1/λ बराबर हमारा होता है वेव नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी वेव नंबर 1/λ बराबर होता है वेव नंबर, तो वही 1/λ बराबर उसके जगह रिप्लेस किया है हमने वेव नंबर वी के ऊपर, छोटे वी के ऊपर जो है स्मॉल वी यूज़ करते हैं, ऊपर बार पुट किया है, और एच सी एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट का मान जैसे कि H=H होता है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल पर सेकेंड में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ द एनर्जी एंड दिस डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी बट नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ एनर्जी एंड दिस डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी बट नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो
द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ठीक है, जो फोटोन था, फोटोन की एनर्जी है उसको क्वांटम ऑफ एनर्जी कहते हैं, और ये जो है सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की इंटेंसिटी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, यही बताता है क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी का मेन जो हमारा डेरिवेटेड फार्मूला निकला है ये निकला है, प्लैंक कॉन्स्टेंट आपको याद रखना है, इसका मान रख सकते हैं, इसके जगह जो है कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो यही थ्योरी है क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पता होनी चाहिए। तो यहीं पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है कंप्लीट हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में 2 वीडियो में हमने बताया है वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके कुछ फिनोमिनन जैसे कि वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेलोसिटी के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था। अब ये क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने डिस्क्राइब किया है, तो इस प्रकार ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो रमन, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं जिसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो यही बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिए, और बस यहीं तक था, यही था क्वांटम क्वांटम थ्योरी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो थोड़ा सा भी आपके MSc फर्स्ट सेमेस्टर में या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो प्लीज़ अगर पसंद आई हो या यूज़फुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।